साबित करना चाह रही है। 7 साल में कोर्ट ने मेरे साथ क्या न्याय किया? 2017 से लेकर 24 तक मेंटेनेंस केस लड़ रही हूँ, सिर्फ डेट मिला डेट, उस डेट से क्या अचार डालूंगी मैं? 2017 से सिर्फ लड़का का कोई हाजिरी नहीं आया। चलो नीचे, चलो नीचे, चलो आपको नहीं चाहिए, केस बंद कीजिए, केस बंद करवाइए। अगला घूमे फिर रहा है ना, हाजिरी दे रहा है ना, कुछ दे रहा है, आप हमको कोर्ट के केस अधिकार से बोल रहे निकलने के लिए, केस भी करेंगे हम, पैसा भी देंगे, कोर्ट में आकर के हाजिरी देंगे। और आपको नहीं चाहिए, केस बंद कीजिए, केस बंद करवाइए। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, हर तारीख के बाद एक और तारीख, टूटा सब्र का बांध, फूटा आक्रोश, तार तार हुई मर्यादा। केस नंबर 337/2027, शिकायतकर्ता ज्योति दत्ता, आरोपी मिथुन दत्ता। बीते 7 वर्षों से तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, हर तारीख के बाद एक और तारीख का दंश झेल रही ज्योति दत्ता के सब्र का बांध आखिर टूट ही गया जब माननीय न्यायाधीश ने थाना को पुनः एक बार शो कॉज करने की बात कही। इस तारीख से वकील साहब का चूल्हा तो जल जाता है, माननीय न्यायाधीश का भी चूल्हा जल जाता है, माननीय न्यायाधीश से संबंधित जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनका भी चूल्हा जल जाता है। अदालत तक पहुंचने के लिए पीड़िता यातायात के जिन साधनों का प्रयोग करती है, ऑटो वाले, टोटो वाले, रिक्शा वाले, बस वाले, सबका चूल्हा जल जाता है। नहीं जलता है तो पीड़िता का, अदालत में आकर जिसका नसीब एक तारीख बन जाता है। आइए, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, हर तारीख के बाद एक और तारीख का दंश झेल रही ज्योति दत्ता के पीड़ा को महसूस करने का प्रयास करते हैं। उस पैसे को माँ कैसे लाके दे रही है वो किसी को नहीं पता है। 17 से लेकर 24 तक हमको क्या मिला है सर, बताइए क्या मिला हमको कोर्ट से? क्यों करें हम महिला कोर्ट में केस? ऐसे ही ना लड़कों मारते, क्यों करें हम महिला कोर्ट में केस? ऐसे ही ना लड़कों मारते, क्यों करें हम महिला कोर्ट में केस? ऐसे ही ना लड़कों मारते। गलत हो रहा है मेरे साथ, अगर आवाज उठाओ तो कोर्ट से निकाल दिया जा रहा है, ना कोर्ट में खारिज किया जा रहा है डेट को, ना हमको न्याय दिलवाया जा रहा है। या तो हम ही को जेल भेज दे, मैंने क्या बोला? जेल भेज दीजिए, जेल का रोटी खा लेंगे, क्यों मेंटेनेंस केस करेंगे हम, जब 2017 से लेकर 24 तक साहब हमारे लिए न्याय कर रहे हैं, हमारे लिए आदेश पारित कर रहे हैं, उस आदेश का प्रशासन अवहेलना कर रहा है। ऐसे प्रशासन और सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए जो महिला का ना सुरक्षा कर सके ना उसको न्याय दिलवा सके। हम इस कोर्ट से, अब हमको जो कोर्ट में थोड़ा न्याय का उम्मीद था अब वो भी खत्म हो जाए। हम तो वकालत करने का सोचे थे ना, जब खुद का न्याय नहीं करवा सकेंगे तो दूसरी महिला को क्या न्याय दिलवाएंगे हम? हमने जो बोला हमको उसके लिए कोई अफसोस नहीं, मैंने लीगल बोला, मैंने अपने धार पे रह करके बोला, अपने अंदर ये उम्मीद लगाए रखे थे कि हमें न्याय मिलेगा। 17 में MP 337 डेट था जिसमें मैं अभी वकालत का स्टार्टिंग अभी प्रैक्टिस ही कर रही हूँ, जिस पर हमारा डेट था, ठीक है, खुद का मेंटेनेंस केस था। मैं महिलाओं के लिए हमेशा आगे रहती हूँ, तो खुद का जब ऐसा तो उसके लिए बोलूँगी ना। मैंने कोर्ट को प्रार्थना करके 2017 से लेके 24 तक अपने हस्बैंड के लिए मेंटेनेंस केस किया था अपने बच्चे के लिए, मगर आज तक ना तो हस्बैंड को अंदर किया गया, ना ही मेंटेनेंस दिलवाया गया। हाँ, बस डेट पे डेट, 2017 से डेट पे डेट मिला, ना उसका कोई हाजिरी पड़ा मिथुन दत्ता का, और ना ही उसको अरेस्ट किया गया। दरोगा को सिर्फ शो कॉज होता है और दरोगा के सामने से यही आवाज़ आती है कोर्ट के पास, वो भाग गया। अगर भाग गया तो उसको लिखित में देंगे ना कि फरार है, वो भी नहीं किया जा रहा, क्योंकि कानून को पता है कि वो यही है। हाँ, और कोर्ट
जो औरत शादी करने के बाद खुद अपना खर्चा चलाए वो क्यों पति को रखेगी? क्यों रखेगी? क्यों ना छोड़ दे वैसे पति को? और छोड़ने के बाद क्या वो कंवारा साबित हो जाएगी? हाँ, वो पहले जैसी हो जाएगी। कोर्ट क्या साबित करना चाह रही है? 7 साल में कोर्ट ने मेरे साथ क्या न्याय किया? 2017 से लेकर 24 तक मेंटेनेंस केस लड़ी रही हूँ, सिर्फ डेट मिला डेट। उस डेट से क्या अचार डालूंगी मैं? 2017 से सिर्फ लड़का का कोई हाजिरी नहीं आया, इतना भी गरीब नहीं है। मैंने उसका प्रॉपर्टी चेक करवाया है, उसके नाम पे प्रॉपर्टी है। हाँ, उसको पुलिस प्रशासन साइड करवा देती है, घर का सामान साइड करवा देती है, उसके बाद बोलती है कुर्की करेंगे। जब आपका सामान ही नहीं रहेगा तो कुर्की किस चीज का करेंगे? हाँ, कोर्ट में जब इस बात को उठाती हूँ तो हमें कोर्ट से निकाल दिया जाता है कि आप बाहर जाओ। क्या हमारे आवाज को दबाने से पेट दब जाएगा? मैं समाज से पूछना चाहती हूँ, मेरे जैसी कितनी औरतें हैं मेंटेनेंस केस में जो कोर्ट में आके अपना आंसू बहाती है, वकीलों के सामने में गिड़गड़ाती है, लेकिन वकील साहब भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। जो कर सकता है वो हमारे जज साहब है, उच्च न्यायालय के जज साहब, धनबाद न्यायालय के जज साहब ही कुछ कर सकते हैं। मैं जज साहब से यही बात बोलना चाहती हूँ कि साहब, आपके भी घर में बीवी है, आपके भी घर में बच्चे हैं। आज आप यहाँ जो भी कमा रहे हैं अपने बीवी बच्चे के लिए, अगर आप नहीं कमा के दोगे, क्या आपकी बीवी का भी यही हाल हो जाएगा? तो आप क्या यही आदेश पारित करोगे कि बाहर निकल जाओ? हम आपसे बस इतना ही बोलना चाहते हैं कि जो मेरे साथ हो रहा है वो समाज में किसी भी महिला के साथ ना हो, अगर हो तो कोई महिला बर्दाश्त ना करे और इस पर आवाज उठाए, डेट ना ले, इस कोर्ट से डेट पे डेट ना ले, आवाज उठाए मेंटेनेंस केस में। उनका पूरा अधिकार है कि बिना वकील के भी वो अपने लिए लड़ सकते हैं। जब हमको ही न्याय नहीं मिल रहा है तो देश की महिलाओं को क्या न्याय मिलेगा? ये सरकार बोलती है हम महिलाओं के लिए है, हम उनके आरक्षण के लिए है, हम उनके सेफ के लिए है। आए दिन तो गलत हो रहा है, क्या कर ले रही है सरकार, क्या उखाड़ ले रही है सरकार? कुछ नहीं कर पाएगी ये सरकार, ये नामर्द वाला काम कर सकती है ये सरकार, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है ये सरकार। हमको यही उम्मीद था क्या सरकार से इस तरह का 12 बजे रहते रहते केस उठा ले और बेमौत मर जाए, या तो किसी का शिकार बन जाए या तो जाके रेल में अपना माथा दे दे। नहीं करेगी सरकार, कुछ नहीं करेगी सरकार, झेलते जाओ। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।